Hello and assalamu alaikum my dear viewers. Today we are going to talk about a few products that I have recently bought and I am going to share the reviews about those products with you. तो जनाब पहले करते हैं इफ्तारी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी और इफ्तारी हमने की थी तकसीम स्क्वायर से. तो बेसिकली इन्होंने टर्किश फूड की तरह बनाए हुए हैं, तो मैंने इसके दो प्लेटर्स मंगवाए थे और हम चारों बंदों को काफ़ी हो गए थे. उसके बाद जनाब थोड़ी सी ज्वेलरी पे मैंने नज़र मारी मगर मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया यहाँ से. उसके बाद जनाब कहीं पे भी जाएं तो आइसक्रीम तो लाजिम और मलजूम है और हमारे बच्चों को फौरन ही प्यास लग जाती है. जैसे ही हम कुछ पीने को लें तो हमारे बच्चों को प्यास सबसे पहले लग जाती है और वो प्यास पानी की नहीं होती. अच्छा जनाब तो ये है, मैंने उसी वक्त ही खोल के अनबॉक्सिंग शुरू कर दी है मगर मैं इसके स्वाचेज़ आपको दिखाती हूँ घर जाकर. ये 017 बोनेंजा सतरंगी टॉप फेस का 017 शेड है. ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन इसका कलर है. मैं आपको बिल्कुल सनलाइट में दिखा रही हूँ. ये ट्रांसफ़र प्रूफ है लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा चिपकता है बट प्योरली मैट है. मैं आपको धूप में भी इसका शेड दिखा देती हूँ. बहुत ही खूबसूरत किस्म का ब्राउन शेड मुझे मिल गया है. अब बारी आती है मेबेलिन स्काई हाई मस्कारा की. इसने जो हाइप मचाई हुई है तो इसको तो लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया था. मैंने सोचा ज़रा इसको ट्राई आउट करें जो दिखाया जा रहा है क्या वो सच है. तो जनाब मैंने इस वक्त कुछ भी लैशेस ये वो कुछ भी नहीं लगाया हुआ है. एक आई के ऊपर मैंने मस्कारा लगाया है ये वाली आई पर और दूसरी वाली आई पर नहीं लगाया है, दूसरी लैशेस पर नहीं लगाया. तो आपको वाज़े इसका फ़र्क नज़र आएगा. मैं आपको ये जस्ट वन कोट के बाद है, ठीक है, इट वॉज़ जस्ट अ सिंगल कोट और उसके बाद इतना वाज़े फ़र्क आया है. मैं अब आपको दूसरी आई पर भी लगा कर दिखा देती हूँ. मैंने इसका सिंगल कोट ही दूसरे आई पर भी अप्लाई किया. इसका वॉन्ड जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप उसको इजीली मूव कर सकते हो. आपको लोअर लैश पर लगाना हो या फिर आई लैशेज़ पर लगाना हो तो ये इसकी एप्लीकेशन ये बड़ी आसान कर देता है. ये सेकंड कोट मैंने लगाया और इससे एक एक लैश बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रही है. इसको उतारना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नॉर्मली फेस वॉश से ये उतर जाता है. तो जी अब बारी आती है आज के शो स्टॉपर की, जो कि है सैफ्रिन का मैट शील्ड सीबम कंट्रोल सनस्क्रीन. ये सनस्क्रीन है एक तो मेडिकेटेड, दूसरी इसकी अच्छी बात बेहतरीन बात मैं कहूँगी ये है कि जिन लोगों को वाइट कास्ट का प्रॉब्लम होता है वो इसलिए सनब्लॉक नहीं लगाते कि मुंह सफ़ेदा सफ़ेदा हो जाता है या फिर ऑयली हो जाता है. तो जनाब आप लोग देंगे मुझे बहुत सारी दुआएं अगर आपने ये ख़रीद लिया. ना तो ये आपका फेस ऑयली करेगा ना तो ये आपको जो है वाइट कास्ट देगा. आप बिल्कुल ही इसको लगा कर आसानी से अपना मेकअप भी अप्लाई कर सकते हैं और मेकअप ना भी अप्लाई करें तो भी कोई मसला नहीं है, आप आराम से बाहर जा सकते हैं. ये है सनस्क्रीन जिसमें है SPF 40 और सबसे बड़ी अच्छी इसकी बात ये है कि ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 40 जो कि आपको UVA और UVB रेस से भी प्रोटेक्ट करता है. आजकल आ गई है गर्मी तो आपको लाजमी सनब्लॉक तो यूज़ करना ही पड़ना है क्योंकि कुछ भी कर लें बाहर तो निकलना ही पड़ता है और बाहर ना भी निकलें सनब्लॉक तो तब भी लगाना ही है. आजकल तो है बहुत ज़्यादा सूरज की तपिश, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी आप इसको ख़रीदें. तकरीबन ये 1500 कुछ रुपए का है लेकिन इट्स वर्थ बाइंग, आई एम टेलिंग यू इट्स वर्थ बाइंग. दुआएं देंगे आप लोग अगर आप ये यूज़ करते हैं. वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसको यूज़ करके अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़.